नमस्कार सर, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। अभी मैं 20 साल की सजा काट कर आया हूँ। अब यह आप लोग सोच रहे होंगे, ये लड़का आखिर क्या किया जो 20 साल की सजा काट कर आया। मैं कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं हूँ, मेरी हालात ने मुझे अपराधी बना दिया और अपराधी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आप लोगों को अपनी आज कहानी बता देता हूँ, कैसे मेरी हालात ने मेरे जैसे अच्छे इंसान को अपराधी बना दिया। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस समय हम बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बगल वाले शहर से एक बड़े ज़मींदार आए हमारे खेत में शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए, और हमारा दादाजी से बोले कि चाचा, हमें आपकी ज़मीन चाहिए और ज़मीन के लिए जितनी भी पैसा आपको चाहिए वह मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। और मैं दादाजी ने उनको बोला, यह खेत ही मेरा सब कुछ है, यह मेरी माता और हम इसी से खेत से परिवार को पेट पालते हैं और इससे हमारा घर चलता है, मैं इसे बेच नहीं सकता। तो उसने हमारे दादाजी को मारने की कोशिश की और उन्होंने हमारे दादाजी को बहरहमी से, उन लोगों ने पहले दारू पिया, दारू पीने के बाद हमारे दादाजी को बहुत मारा, इतना मारा कि दादाजी की उसी वक्त मौत हो गई। जब तक यह खबर हमारे पास पहुँचने, हमारे दोस्तों ने हमें जब ये बात बताया तो हम बहुत ही गुस्सा आया, और फिर उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया मुझे। उस समय मैं कॉलेज में था और दो बात सुन के मैं कॉलेज को पढ़ाई छोड़कर उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसी समय पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया और अदालत में जज ने मुझे हमारी सजा को 20 साल तक बढ़ा दिया। और उसके बाद हमारे घर की हालात इतने कमज़ोर हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका कि उस वक्त मैं भी बहुत गरीब था और हमारे पिताजी भी किसान थे और हमारे दादाजी भी किसान थे, और जो भी घर खर्चा होता था उन्हीं के माध्यम से होता था। उसके बाद पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद होने के कारण मैं कुछ गाना गुनगुनाना था और कुछ वही से गाने की मुझे बहुत ही ज़्यादा अनुभव होने लगा, और मैं उसी जेल में हर शाम हर रात हर दिन कुछ भी खाने को देता था तो मैं नहीं खाता पीता था, क्योंकि मुझे यह सब देखकर कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। और मैं हर दिन जेल में गाना गाता था और गाने की अभ्यास करता था और मुझे गाने का शौक हो गया, और ऐसे करते करते 20 साल हो गए और जेल से बाहर आ गया। और फिर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाना गाऊं। लोगों ने मेरा गाना सुनकर कुछ पैसे दे देंगे। एक दिन मैं गाना गा रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया और कहा, बच्चा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते। तो उस आदमी ने मुझे कुछ पैसों की मदद की और कहा कि बच्चा तुम इंडियन आइडल में जाओ। तो मैं उसी के पैसे से आज मैं इंडियन आइडल में आप सबके सामने समक्ष खड़ा हूँ। अगर वो आदमी मुझे पैसे की मदद नहीं करता तो शायद मैं आज इंडियन आइडल में नहीं आ पाता, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही दर्द भरा सैड सॉन्ग लिखा हूँ, वही आज मैं सुनाने वाला हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कुछ रुपये पैसे की मदद कीजिएगा। तैयार हो आप? जी मैम, हम तैयार हैं। चलिए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, मुड़ के जो देखा
अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मौत के कितने पास आ गए, हम ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं, एक खुशी की तलाश हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मजबूर थे जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए।
चक दे फटे ते नप दे गिली। मजा आ गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन। तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया, कैसा लगा आप सबको? रुको रुको रुको, जब लास्ट तक वीडियो देख लिए हो तब की भगा रहे हो, अभी एक मिनट मेरा बात सुन के जाओ। ये जो वीडियो है ना, मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी है। राशि जी के मांग पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह देख रहे हो, कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है दिल से कि हाँ मेरा वीडियो ये जगह पे जा रहा है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस बनाओ, किस गाने में बनाओ कमेंट बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन आपको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हमारी सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। समझी चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया, बना था के उसी ने उजाड़ा मेरा आशिया। ऐसी वो लड़की थी।
में क्या करता से दुआ कर रहा हूं कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। अली बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानी ढील है। योर स्माइल टच वुड ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू आपको। आप क्या गाने वाली हैं? मैं मास्टर में लड़की और लड़के का आवाज में गाना गाऊंगा। वाओ, चलो हम आपको और इंतजार नहीं कराएंगे, प्लीज आप शुरू हो जाइए, सुर ले लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट। हाँ ओके मैम। अरे बाप रे, कितनी प्यारी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। से दुआ कर रहा हूं कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। अली बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानी ढील है। योर स्माइल टच वुड ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू आपको। आप क्या गाने वाली हैं? मैम, मैं आज लड़की और लड़के दोनों की आवाज में आज मैं गाना गाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है। वाओ, चलो हम आपको और इंतजार नहीं कराएंगे, प्लीज आप शुरू हो जाइए, सुर ले लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट। हाँ ओके मैम, ओके। इतनी प्यारी है। थैंक यू मैम।
ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, एक चीज इतनी क्यूट लगी। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या